लेके जाऊंगा स्कूल में। बस शीशे का खड़ी हो जाएगी, बस तुम यही देखते रहती हो। चंदन कह रहा है कि मेरी ना बेइज्जती हो जाती है मैं वीडियो में आता हूँ, तो भाई इससे पूछो क्यों बेइज्जती होती है, क्या कहते हैं लोग, कहता घर पे भी काम कराता है गाड़ी भी चलाता है और क्या। तो अरे भाई ऐसे मत बोला करो भाई, चंदन भाग गया तो हमें परेशानी हो जाएगी, सुबह सुबह मुझे खुद कपड़े ब्रश करने पड़ रहे होंगे, प्रीति तो करेगी नहीं। तू कुछ खाएगी नहीं? मैं नाश्ता बना रहा है, मम्मी तो बैठी हुई है, वो कह रही तूने मना कर दिया। अच्छा पराठा, प्रीति प्रभनूर कह रही पराठा बना दे, क्यों? ये भी कह रही थी पराठा सुबह पराठा, दोपहर को पराठा, रात को पराठा, कह रहे आटा ज्यादा गूंद लिया था मम्मी ने, पराठे में पराठे पराठे में पराठे खिला जा रही है। बोला मैं पूछा सकता हूँ मम्मी से, मेरे पास स्पाई कैमरा भी लगा हुआ कमरे में, वहां से मैं देख सकता हूँ। तो सुबह सुबह गुड मॉर्निंग होते ही चंदन हमारा व्लॉग देख रहा है, साथ में प्रीति बैठी है, साथ में कीरत बैठा है, क्या बात है कीरत का है ओ प्रभु, सुबह सुबह। और चंदन आज क्यों रहा है, पहले तीन भी हंसता जा रहा है, अभी तो 20 मिनट और कॉमेडी होगी। अच्छा, तो सुबह सुबह व्लॉग देख रहा है और हंसता जा रहा है, हंसता जा रहा है, कह रहे हैं तो बहुत कॉमेडी है, वो कल वाला जो व्लॉग था उसमें ही देख के हंसता जा रहा है, स्कूल से आते ही पाले तो अभी कॉमेडी शुरू हुई है, अभी तू देखो और क्या क्या होगा। इसको देखो आइसक्रीम खा रही है जैसे फिल्म का शो देख रहे हो, ये देखो कितनी अटेंशन होके देखा जा रहा है, चंदन को देखो और प्रमनूर को देखो, प्रीति भी आ गई है दोबारा कपड़े बदल के। सबसे बड़ी बात चंदन को देखो कैसे अटेंशन होके देख रहा है, जैसे पता नहीं क्या हो गया, फुल फुल। कितनी टेंशन से देख रहे सारे, लगी थी बड़ी जोर की, चंदन उधर मुंह करके हंस रहा है, प्रीति देखियो उधर मुंह करके हंस रहा है वो। तो मैं और प्रीति अभी जा रहे हैं कीरत को लेने के लिए, क्योंकि टाइम 12:15 बज गए थे, मैं रेडी होने में टाइम लग गया और कीरत को स्कूल से पिक करना था, तो प्रीति कह रही है साथ ही चलो, बस कीरत को पिक करूंगा और फिर प्रीति को घर छोड़ूंगा और फिर मैं काम पे निकल जाऊंगा, तो शाम तक वापस आएंगे, तो जैसा भी छोटा मोटा व्लॉग बनेगा बस घर आके बनेगा, क्योंकि मैं वहाँ काम पर तो शायद बना नहीं पाऊँगा, बट हल्का सा कोई सीन शॉट हुआ तो अगर हो जाएगा तो ले लूँगा, अदरवाइज उम्मीद नहीं है, तो घर आके ही बनाऊंगा या प्रीति ने कुछ बनाया होगा तो वो ऐड करके आपके लिए ब्लॉग पेश करेंगे। तो हम पहुंच चुके हैं कीरत के स्कूल और प्रीति जा रही है कीरत को लेने के लिए, अभी पिक करके आती है, फिर आपको मिलाते हैं हम मिस्टर कीरत से। मास्क अब तो खत्म हो गए। अच्छा जी, कीरत आ चुका है, क्यों? कल इसकी छुट्टी कराऊंगी। हाँ। कह रहा नहीं, कल हमारी पार्टी है। काहे की पार्टी? छुट्टी की। ओ भाई कल से छुट्टियां हो जाएंगी फिर? कल पार्टी सिर्फ पार्टी है। हाँ। तो कल छुट्टी कर ले फिर क्या करेगा, पार्टी वाले दिन क्या करना होता है? अरे पिज्जा लेके जाऊंगा, लेके जाऊंगा। तो कीरत आ चुका है, कीरत कह रहा है कल तो स्कूल में पिज्जा लेके जाऊंगा, और कल मेरा मूड है छुट्टी कराने का। कल इसकी नहीं, इसको कल हम पिज्जा लेके देंगे, क्योंकि कल इसकी स्कूल में कल से छुट्टियां हो जाएंगी, फिर ये 1 जुलाई तक छुट्टियों में रहेगा, और इन द मीन टाइम हम जून में कहीं ना कहीं घूमने जरूर जा रहे हैं, ये फाइनली है, ये सरप्राइज। बस भगवान से प्रे है कि हमारी ड्रीम कार हमें जल्दी से जल्दी सर्च कर रहे हैं मिल जाए। कौन सी ड्रीम कार? एंडेवर, अगर मिल गई तो हम एंडेवर पे जाएंगे, नहीं मिलेगी तो हमारे पास तो इग्निस ही है, गरीब बंदे हैं भाई, इग्निस में जाएंगे, पर पक्का है 100% है कहीं ना कहीं जरूर जाएंगे। अब खा चुके हो, मैंने फ्रूटी दे दिया स्कूल में, अब कल लेके जाना पिकनिक के लिए, पैसे तो दो, क्या कैमरा खोल के बैठ गया, 200 पूरा जाएगा। अब हम क्या लेने जा रही है तुम्हें, हर चीज बताऊं? ये 200 रुपए लिए भाई, 200 रुपए लिए भाई,
ये देखो ये शैतान बच्चा गाड़ी से उतर के गया था मम्मी के पास और क्या लेके आया, ये क्या लाया भाई, किसको ये लिए लाया? अपने लिए दोनों। दांत में ना ऐसी दर्द होएगी। वो मम्मी भी आ गई। उस दिन जब राशन आया था मैगी मंगवाई थी? नहीं। हाँ? नहीं। तूने बोला था? हाँ मैंने बोला था, मैं ले आऊँ फिर एक मिनट। तो घर पहुंच गए और गाड़ी लगा दी पार्किंग पे और देख रहे हैं कि प्रीति जी घर पे नहीं है और प्रीति को फोन कर रहा हूँ, प्रीति फोन भी नहीं उठा रही है, पता नहीं कहाँ गई है। हो सकता है शायद प्रभनूर को ट्यूशन छोड़ने गई हो और उसके बाद बास्केटबॉल पे गई होगी छोड़ने के लिए, अनुमान है, कुछ पता नहीं एग्जैक्ट कहाँ है कहाँ नहीं है। तो अभी देखते हैं, बेल मारते हैं घर की और देखते हैं कहाँ पे गई है, सीमा से पूछते हैं और फिर मजे 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 और फिर मजे। तो घर पे आया, सीमा से पूछा प्रीति कहाँ है, तो वो कह रही है प्रभनूर को ट्यूशन पे लेने गई है और उसके बाद बास्केटबॉल पे छोड़ के वापस आएंगी। तो तब तक हम कुछ खाना एंजॉय करते हैं, भूख लगी है बहुत तेज, शाम के बज चुके हैं 5:30 और भूख बड़ी तेज लगी हुई है, पहले कुछ खाते हैं जब तक कीरत और प्रीति आ जाएंगे, फिर देखते हैं अगला नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा। फोन करने से पता चला है कि प्रीति तो अपनी किसी फ्रेंड के घर पे गई हुई थी और वहां से अब आई है और अब मुझे फोन कर रही है, बाहर आके कह रही है आओ चलें प्रभनूर को ट्यूशन से लें और बास्केटबॉल में छोड़ के आ जाते हैं और कुछ ग्रोसरी लेनी है, वो ग्रोसरी लेके घर पे वापस आ जाते हैं। क्या आ रही है? बास्केटबॉल आ रही है। अच्छा गेट तो खोल दे। ये गेट नहीं होता मामू। क्या होता है ये? ये डोर होता है। एक ही बात होती है, गेट और डोर में क्या फर्क होता है? लोहे का। ये प्रभनूर का सामान आ गया, बास्केटबॉल का बैग, बैग दे मुझे, बॉल और पानी की बोतल। ठीक है बैग इतना गीला थोड़ी ना है। क्या दिखा रहे हो? यही दिखाना चाह रहा था कि सीट बेल्ट के बिना गाड़ी चला रही है तो और अभी अभी इसने सीट बेल्ट पहन ली, कैमरा ऑन होते ही। और भाई साहब गाड़ी चलेगी तभी डालूंगी ये बैग। तो अभी तो चला के ही आ रही थी ना गाड़ी, बैठ के पहन थ्रू पार्किंग से तो निकाली नहीं, चला के आ रही थी, पहनी ही होनी चाहिए सीट। पिछली गली से आ रही हूँ, नीति के घर से कोई सामान देकर यहाँ आ रही हूँ। तो पिछली गली से आ रही है, अगर देखो वो ट्रक हिट कर दे फिर सीट बेल्ट तो पहन के आनी चाहिए। यहाँ चलान करने वाले खड़े हो तो हमारी सोसाइटी में कैमरा कितने लगे हैं? तो चलान करने वाले खड़े हो गली के अंदर, सोसाइटी के अंदर कौन चलान करेगा? क्यों नहीं करेंगे, रोड है, रोड पे कहीं पे भी चलान हो सकता है। ये रोड सोसाइटी है, ये सोसाइटी की तो रोड तो रोड ही है, सोसाइटी है तो क्या है? अंदर कोई चलान नहीं, क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल इस बलेखे पे भी मत रहियो। अभी कीरत से मिले थे ये लोग इतने अच्छे तरह से, मिलिट्री वाले। कीरत बहुत खुश हुआ। बाय बाय। तो प्रीति जा रही है तैयार होके जिम, ये जिम भी तैयार होके जाती, तो मैं बदलने लगा हूँ कपड़े क्योंकि नाइट मोड पे आ रहा हूँ मैं, तो थका हुआ हूँ काम से आने के बाद और मैं आ रहा हूँ नाइट मोड में। मजदूर हो जो तुम काम से आते हो, काम क्या होता है? हम पंजाब से आने के बाद, हम पंजाबी बंदे हैं, हम काम ही बोलते हैं। मजदूर हो तुम? हम मजदूर मान लो, मैं मजदूर है भाई, मजदूर आदमी हूँ मैं, बहुत मजदूरी, सुबह जाता हूँ मजदूरी करके शाम को वापिस आता हूँ। मजदूरी कहाँ से दिख रही है, कहीं से शक्ल से दिख रही है मजदूरी? तो शक्ल देखो मेरी, शक्ल कितनी खराब है। मजदूर काम कर रहा है उस पे दया आती है, उसका चार गुना करने का मेरा मन भी करता है, तुम्हारा मन भी नहीं करता करने का? तो कोई काम करती भी है बस पूछो, शीशे का आया खड़ी हो जाएगी, बस तुम यही देखते रहते हो, यही देखते रहते हो, ऐसे करेगी तो चली जाएगी। यही काम है तुम्हारा? यही काम है, तो घर आके कुछ काम तो करना पड़ेगा ना। तो बस कपड़े बदल रहा हूँ, नाइट मोड पे आ रहा हूँ और कीरत गया हुआ है अपने फ्रेंड ओजस के घर पे, वो वहां से आएगा, प्रनूर गई है बास्केटबॉल खेलने, वो आएगी, हम लोग घर एंजॉय करेंगे। ये अभी जिम जा रही है, देखो पाउडर लगा रही है, मेकअप कर रही है, शक्ल तो दिखानी पड़ेगी, छुपा के तो कुछ नहीं होगा, शक्ल तो दिखानी पड़ेगी। मैं वीडियो सब देखते हैं, देखो देखो वीडियो भाई, देखो पट्टी कैसे भरी है इसने, दिखा पहले दिखा। तो चलो बस यही पे एंजॉय करते हैं इसको, तो हम लोग बाद में मिलेंगे थोड़ी देर में। ठक ठक, अरे हटा दिया ना। कैसे छुप रही है ये, देखो ये कैसे छुप के जा रही है पट्टी भर के। तो अभी ये जिम जाएगी, जिम से आने के बाद फिर वेट करेगी, फिर कहेगी हाय ये मेरे साथ मजाक हो रहा है, 60 से चालू किया था 63 पहुंच चुकी है। तो अभी देखते हैं धीरे धीरे कितनी बढ़ोतरी और होगी। चेहरा देखो, चेहरा पट्टी भर के एग्जैक्ट हो गई है। अब ये जिम जाने से पहले फिर इस मशीन को देखेगी, डालेगी, फिर वेट करेगी, चेहरा कुछ ज्यादा वाइट हो गया है, अभी पट्टी थोड़ी सी रिमूव करेगी।
अभी गुस्सा आग दिखा रही है, श्रीदेवी की पिक्चर होती है नागिन उसकी तरह। लो भाई ये आ गया है जीरो। चल ही नहीं रही है, एक पैर 20 किलो का है भाई, दूसरा पैर 13 किलो का, 27 किलो की है। इसको सब उल्टा करके देखेंगे ना 74 नजर आएगा। हट ना, एक मिनट जाओ ना। फाइनली प्रीति खड़ी हो गई है। कितना आया? 62 आपने इस पे वेट देख लिया ना, 62 point something आया था। 61 point कुछ है। तो अगर इस पे 62 point कुछ आया हो तो तू खड़ी हो 62 पे आए तो कितना? 61.85। बच्चा फूलता बढ़ता रही है, वो हिसाब है, इसको आशीर्वाद मिला हुआ है। देखो वीडियो एडिट तो मेरे हाथ में है नहीं ना करना, ये तुम्हारे हाथ में है, तुमको जो लगेगा आगे पीछे वाला करके बता। मैं सच बताता हूँ, और ये कोई अब इसमें खड़े होके कोई दूसरा तो दिखा नहीं सकता ना, वेट तेरा वेट और तू ही दिखा रही है। तो मेरे से बहस कर भी नहीं सकते। एक पंजाबी में कहावत है सुनाऊं बहस पे? पर के आगे बीन बजाना नहीं। हाँ। बहस पे कहावत है मैं सुना नहीं सकता, बड़ी अच्छी कहावत है। आज का थॉट है जो उसको सुनाने की बारी है वो है हिंदी में। तो हिंदी में जो आज का थॉट सुना रहा हूँ उसके लिए आपको अच्छा लगेगा तो बताना, नहीं लगेगा तो बताना। जो हमारा पेट होता है तो उस पर कमेंट भी करना। मुझे पता है आप लोगों को मेरे थॉट्स बहुत पसंद आ रहे हैं और पुराने वाले भी बहुत अच्छे लगे थे, आपने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स दिए हैं, मुझे पढ़ के बहुत अच्छा लगता है। तो मैं अब नया थॉट आपको सुनाता हूँ। एक्चुअली बातें ही हैं, कहते हैं रिश्ते खून के होते हैं, असल में जो रिश्ते होते हैं वो खून के नहीं विश्वास के होते हैं। अगर विश्वास है तो पराए भी अपने हैं, अगर विश्वास नहीं है तो अपने भी पराए हैं। बस यही था आज का थॉट, आपको कैसा लगा जरूर बताना। तो मैं थॉट जरूर देता हूँ, मतलब कुछ पढ़ता हूँ, कुछ बुक्स पढ़ता हूँ, कहीं पढ़ता हूँ तो उसको जो मुझे अच्छा लगता है उसको याद करता हूँ, फिर आप लोगों को बताता हूँ। तो मतलब मैं कहीं से भी पढ़ सकता हूँ, किसी के व्हाट्सएप स्टेटस से, किसी के कमेंट से, किसी के फेसबुक अकाउंट से, तो जहाँ से मुझे अच्छे थॉट्स ये मिलते हैं तो उनके साथ शेयर करता हूँ। बट नेचुरल है कि मैं खुद तो बनाता नहीं हूँ, पर जो मुझे अच्छे लगते हैं मैं बहुत चूज करके आप लोगों से शेयर करता हूँ, और मुझे विश्वास है कि आपको भी ये अच्छे लगते होंगे। तो बस अभी प्रीति और कीरत और प्रभनूर सब आते होंगे, फिर थोड़ी सी उनके साथ मस्ती, फिर वीडियो का एंड, और फिर कल आपके लिए अच्छा सा व्लॉग। तो प्रीति आ चुकी है और जिम से आते ही अब फिर से करेगी वेट। पता नहीं वेट कर रही तो बैठने लगी हूं। नहीं करेगी तो वेट, ये देख मैं तो शूज भी नहीं पहने। अभी पता लग जाएगा शूज ये रहे। डैडी आए, डैडी को खोलने देखी। ये देखो रिमोट ले लिया अब इसने। अरे चैनल बदल रही हूँ भाई। चैनल कैसे बदलेगा, कोई डिश टीवी तो लगा नहीं घर पे। क्यों? सेल निकाल लिए है। ये मशीन पे डालेगी और चेक करेगी, देखो झूठ कैसे बोलती है, लेके चली गई। और पिक्चर तो देख लिया ना कैसे झूठ बोला जाता है। आई है फटाफट जूते उतारे, अब मशीन पे सेल डाल रही है, फिर से वेट चेक करेगी, फिर आएगी कही हाय मेरे साथ धोखा हो गया। कीरत आ चुका है और 1 2 3 और ये आया कीरत। क्या गजब एंट्री पे आया। और कहाँ गया था फिर? डाल दिया। क्या ये? क्या? हाँ और ये भी आ गई है हमारी जेठालाल। पापी पापी आज क्या हुआ, फिर बास्केटबॉल खेल ली? वेरी गुड। मैं और प्रभु दोनों मिलके देख रहे हैं पिक्चर। कौन सी? अपने। तो रात के 9:15 कीरत जी को याद आ रहा है कि इनके स्कूल में पार्टी है और हमें सामान लेने जाना है। तो प्रीति बोल रही है, मैंने सुबह से बोला हुआ था। तूने तो सुबह से बोला था, मम्मी को भी याद आया ना। तो अब क्या लेना है तुझे? पार्टी के लिए सामान लेना है कह रहा है। एक फ्रूटी चाहिए, चिप्स चाहिए और डोनट चाहिए। अरे हमारे जमाने में तो कोई पार्टी होती नहीं थी छुट्टियों की, ये कौन सी पार्टी हो रही है? हैं? छिपकली की पार्टी। छिपकली तू तेरे को छिपकली की पार्टी करेगा? अरे सही में यहाँ पे घूम रही है। कहाँ पे घूम रही है? ये बाइक के आगे।
बाइक क्या गया है, तो सही है। तो अब प्रीति भी आ चुकी है, अब हम जा रहे हैं। और क्या लेने जा रहे हैं? डोनट। डोनट डोनट लेने जा रहे हैं, कोई नई सी चीज आ गई है आजकल पार्टियों में, डोनट चलेंगे। चलो आज हमारे बाहर के यहाँ की स्ट्रीट लाइट बंद है, और कितना अंधेरा हो रहा है ना किरत। हाँ। भाई सारी लाइट बंद है आज, लगता है कुछ फॉल्ट वॉल्ट हो गया। हमें देख के ऐसे खड़ा हो जाता है कौन, और हमारे सामने किसी को काटने को करता है कौन, ये अच्छा डॉगी नजर नहीं आ रहा ना भाई, ये काला काला कलर का है ना प्रीति की तरफ। कीरत के स्कूल का तो कल आखिरी डे है, उसके बाद हमारी प्लानिंग है। कहाँ की कीरत कुछ पता है? नहीं। कुछ नहीं पता कहाँ कहाँ की प्लानिंग है, कहाँ की तुझे मालूम है कीरत? नैनीताल की। मुझे भी बताना क्या कहाँ की प्लानिंग है, मुझे खुद नहीं पता, मैं क्या बताऊँ। अच्छा आप लोग कमेंट करके बताओ कि हम लोग कहाँ जाए, ये सही है। इतना बहुत ज्यादा दूर नहीं। हाँ ज्यादा दूर नहीं, दिल्ली के ही मतलब यही 700-800 हजार किलोमीटर के रेडियस में। बट यार ये मत भेजना हमें, लद्दाख हम आए हैं और क्या कहते हैं हम यहाँ भी आए हैं, जो आपका मनाली भी आए हैं और शिमला नैनीताल भी आए हैं, कोई अच्छी सी जगह बताओ अगर वहाँ पे जाने लायक होंगे तो। हमें ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज्यादा ठंडी में जाना है या बहुत ज्यादा गर्मी में जाना है, मतलब जहाँ मजा आए, कुछ नेचर एंजॉय हो। मतलब हमें ऐसी राजस्थान साइड भी चलेगी, मध्य प्रदेश भी चलेगी, महाराष्ट्र भी चलेगी, कर्नाटका भी चलेगी, मतलब आप बताओ हम उसमें से फिर सोचेंगे, ट्रिप प्लान करेंगे और फिर जाएंगे कहीं ना कहीं घूमते फिरते, और आपको उस व्लॉग की सीरीज दिखाएंगे घूमते घूमते। क्यों भाई, बाय रोड के लिए जाना है या बाय एयर के लिए जाना है, ये भी तो क्लियर कर दो। नहीं हम बाय रोड जाएंगे, बाय एयर नहीं जाएंगे। पेरेंट्स मीटिंग में तो मम्मी जाती बेटा, पापा तो जाते ही नहीं ना बेटा। पापा कभी अपने स्कूल में मीटिंग पे नहीं गए थे। टीचर ने आज तक आपके, आप उनको पता ही नहीं कि आपके पापा कौन से हैं, उन्होंने कभी आपके पापा का फेस ही नहीं देखा। आप नर्सरी में आए थे ना स्कूल में, नर्सरी से टीचर कह रही है कि सर से तो मिलवा दो। क्यों सर से मिल, सर अरे सर इतनी पर्सनैलिटी दार है, अगर सर से मिलेगी टीचर मतलब फिदा हो गई तो। ऐसे नहीं बोला उन्होंने, कहा था बेटा मतलब दोनों आया टीचर तो। फिदा हो गई मेरे पे तो, इस करके मेरे से मत मिलाओ टीचरों को भैया, मैं बहुत स्मार्ट बंदा हूँ, ऐसे कोई टीचर वीचर को ले जाऊंगा टीचर फिदा हो जाएगी, ऐसे कोई मैं बहुत स्मार्ट हूँ इस करके मुझे किससे नहीं मिलना। बुरा मानने का नहीं है, ये सिर्फ मजाक चल रहा था कि मतलब लड़कियां हम पे मरती हैं, मैं बहुत शरीफ सा बंदा हूँ यार, मैं घर से काम जाता हूँ, काम से घर आता हूँ, और कोई मतलब नहीं है ऐसी मेरी छवि को खराब ना किया जाए, मैं बहुत ही शरीफ बंदा हूँ। क्यों प्रीति, क्यों आंखें नहीं सेकते तुम अपनी? आंखें कैसे सेकती है, धूप में चलती है आंख तो मेरी, वो मैं चश्मा पहन लेता हूँ फिर। चश्मा कलर वाला लगा लेते हो ना? हाँ कलर वाला चश्मा लगाते, धूप में प्लेन चश्मा तो कोई लगाएगा नहीं, सारी चीजें रंगीन नजर आती है। तो दुनिया ही रंगीन है, वो कहते नहीं नजारे मेनू जिंदगी दे लै लैण दे, गाना है यार। अच्छा हमें यहाँ जाना है, तू कहती थी वहाँ जाना है, कहती यहाँ जाना है, ओके यहाँ चलेंगे। चलो बाबू की तरह बैठते चप्पलें उतार कर, और ये नहीं कि पहले पहन लूं, जब रोकेंगे ना उसी तरह डालेगा चप्पल, तो मैनर्स है ना, सीट्स गंदी हो जाती है अगर चप्पल पहन के बैठेगा। दो मिनट पहले उतर जाए ना, तो अब तू जा चल भाई। प्रीति और कीरत उतर रहे हैं, कहाँ जा रहे हो लेने केक एंड बेक पे? मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो सब भी ठीक। नहीं मिला अब दूसरे में चले केक। तो यहाँ आ चुके हैं हम, क्या लेने के लिए? डोनेट। लगता तो है कि नहीं मिला। बोलूं मेरी बात सुन? हाँ नहीं मिला, देख इधर तो है नहीं। हाँ. अब यहाँ पे जो है उस पे स्प्रिंकल्स हैं, वो ये खाएगा नहीं। अब लास्ट ऑप्शन पता है कहाँ है? अपना 23 सेक्टर का होम स्वीट। चलो मिल गया ठीक है, नहीं तो मम्मी वाले पे चलना हो तो चल लेना, नहीं तो फिर घर। ठीक है, और मतलब एक डोनट लेने के लिए हम 200-300 रुपए का पेट्रोल फूकेंगे, और डोनट है सिर्फ 50 रुपए। 60 का भी हो सकता है पर प्रीति जी कुछ भी कर, मेरे को कुछ भी, तुम्हारा बेटा है भैया, मेरे को मत बोला करो। ये मिरेकल गर्ल है प्रीति जी, कुछ भी प्रीति जी कुछ भी, मेरे पे क्यों आ जाते हो? ये मिरेकल गर्ल है, मिरेकल गर्ल। हाँ मिरेकल, पहले बोलो तो सही से, मिरेकल ही तो बोल रहा हूँ। मेरे को लग रहा है मेरी गर्ल है, मेरी गर्ल, मैंने कहा क्या बोले जा रहे हो भाई, ये कुछ भी को सुन सकती है इसके कान में ना, मेरे को लगता है वो, मैं कल एक तो मैंगो दे देती हूँ, मुझे लगता है इसके कान में, मुझे लगता है इसके कान में मशीन लगवानी पड़ेगी। डोनट नहीं मिल रहा ना, तो तू ऐसा कर, एक सेकंड लास्ट शॉप है वहाँ मिल गया ठीक है, नहीं तो फिर वहीं से इसको चिप्स ले दे, लिटिल आर्ट ले दे, फ्रूटी ले दे, और चॉकलेट ले दे, पार्टी हो गई मस्त, फिर गाना गा दियो, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। तो हम आ चुके हैं 23 के सेक्टर। क्यों भी कीरत? अच्छा कीरत तो सो गया, चलो फिर घर ही चले, छुट्टी करा देंगे कल, पता भी नहीं लगेगा। तो कीरत फिर घर पे करा देंगे हम तेको,
चलो चलो घर चलते हैं। चला डोनट देख कर आए। प्रीति और कीरत जा रहे हैं वो सामने ओम स्ट्रीट पे, तो हमारे लिए आ गया है मोजिटो बनके, हम वो पी रहे हैं, और कीरत के लिए आ गया है डोनट और पार्टी के लिए पता नहीं क्या क्या, पैरी का भी है, पर पार्टी के लिए इसके पास बहुत सारी चीजें आ गई हैं, और अब ये कल करेगा खूब पार्टी और परसों से घर पे मस्ती चालू। डोनट भी मिल गया, डोनट बता दिया हमने, डोनट भी आ गया, तो मजे ही मजे है, बस चिल चिल चिल। तुम अभी पार्टी का सामान लेके आ चुकाओ और कल स्कूल जाऊंगा, मस्ती करूंगा। लाइक करना, वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में प्लीज बता देना, सब्सक्राइब लाइक कमेंट शेयर बाई सेकंड दबा देना, हर वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय 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 बाय।